सो गाइस, मुझसे काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पर हम गूगल डायलर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अंदर हम किसी भी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो ये सामने वाले व्यक्ति को बता देता है कि आपकी कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो तरीका हम बताते हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो उसके बाद अगर आपको आपके पास कोई भी व्यक्ति कॉल करेगा या फिर आप किसी के पास कॉल करेंगे तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को बिना उसके पता लगे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार आप बिजनेस रिलेटेड अपनी कोई भी बात करना चाहते हैं और वो व्यक्ति आपको कहीं धोखा देना चाहता है तो आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद यहाँ पर मैं आपको दो एप्लीकेशन रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले जो बेस्ट एप्लीकेशन है CUBE ACR, इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपके सामने इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होगा। थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद इनेबल रिकॉर्डिंग को क्लिक करेंगे और रिकॉर्डिंग पे आएंगे और यहाँ पर आपको ये ऑटो स्टार्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पर ऑटोमेटिक स्टार्ट को रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इससे भी बढ़िया एप्लीकेशन है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ और वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंडिया का है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर नहीं आने की ज़रूरत है, ये आपके फ़ोन में ही है जो कि ट्रू कॉलर के नाम से हो सकती है और ये एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन का जैसे कि देख सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉल पे बिजी है तो हमें पता चल रहा है कि नहीं, और ये जो यहाँ पर एक मिनट पहले कॉल पे बिजी थी तो उस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर आपको करने का है थ्री लाइन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आप लोग रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग पे, और यहाँ पर आपके सामने ये कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने का ऑप्शन खुलेगा तो इसे आप ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट मिल जाएगा, यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। अगर आप किसी के फ़ोन में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शो कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे, इससे उसकी कॉल भी रिकॉर्ड होगी और आपको उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो चलिए दोस्त, आपको मिलते हैं अब नई वीडियो में और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते हैं। तो आप लोगों का काम इतना ही है कि आप लोग वीडियो को देखिए, इन्जॉय कीजिए और साथ में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करते रहिए। तो चलिए दोस्त, बाय बाय, टाटा, मिस यू, जय हिंद, जय भारत।